गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च, अदरक और लहसुन का अचार, जो अब आप सभी जानते हैं कि ठंड का मौसम आ रहा है, तो उसमें मिर्च का अचार और अदरक लहसुन सारा कुछ हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिटेड है, तो इसीलिए मैं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये अचार, तो मैं बना रही हूँ आज। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो मैं अचार बना रही हूं, जो आप भी बना सको अपने घर में। तो मैं उसका रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। जैसे हम अदरक लहसुन और मिर्च का अचार बनाएंगे, तो उसमें हरी मिर्च की रिक्वायरमेंट है। हरी मिर्च में थोड़ा बहुत लाल मिर्च भी मिक्स है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो कि अदरक साबुत अदरक को मैंने छील लिया है, उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी, और मैंने लहसुन की कलियों को भी छील लिया है। तो फिर उसके बाद के आगे की प्रोसेस अभी। फिर गाइस, अब हम ये हरी मिर्च को बीच से कट डालेंगे कि मसाला जो हम स्प्रेड करें वो सारा कुछ इसमें अच्छे तरीके से मिल जाए। गाइस, अचार का आगे का प्रोसेस है कि जो भी मसाला वगैरह हम लोग डालते हैं अचार में, उसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट, जैसे ये मैंने सौंफ ले लिया है, सौंफ 2 चम्मच है, और ये राई है, ये राई 1 चम्मच लिया है मैंने, और ये मेथी मैंने 1.5 चम्मच लिया है, और जीरा और अजवाइन है, ये मैंने 1-1 चम्मच लिया है, और ये है आमचूर मैंने अंदाज से 3.5 चम्मच लिया है, और 4.5 स्पून मैंने नमक लिया है। अब मैं जो भी साबुत चीज़ है उसको रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। गाइस, अब देखो मैं इस तरह डाल रही हूँ सारा कुछ रोस्ट करने के लिए। रोस्ट करने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम लोग डीप रोस्ट करेंगे, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, सोंधा सोंधा स्वाद आएगा अचार में। मसाला हमने रोस्ट किया था, उसको ठंडा होने के, थोड़ा ठंडा हो गया, उसके बाद हमने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के टाइम ये ध्यान रखना है कि पूरा डस्ट के डस्ट पार्टिकल में नहीं करना है, उसमें थोड़ा दरदरापन हो जो स्वाद अच्छे से आए हमारे अचार में। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब जो मैंने मिर्च लहसुन अदरक वगैरह लिया था, उसको मैं फ्राई करूँगी। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्का फ्राई करना ऑयल में, कि ऑयल उसके अंदर अच्छे से चला जाए। तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है गाइस, बस अंदाज से थोड़ा ही ऑयल पड़ता है इसमें। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, तब इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। पहले कलौंजी डालेंगे। कलौंजी डालने के बाद पता चल रहा है कि तेल बहुत ही गर्म हो चुका है, आप भी देख सकते हैं तेल में कलौंजी छिटक रहा है। और अब अदरक और लहसुन डालेंगे इसमें। ज़्यादा डीप फ्राई मत कीजिएगा गाइस, बस थोड़ा बहुत फ्राई करना है इसको। ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को इसका अचार बहुत ही पसंद है। इनफैक्ट मैं ये देखी थी
कि मेरे घर में मेरी मम्मी भी बनाती थी, तो और यहाँ जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है तो मैं भी बना रही हूँ। अब मैं इसमें मिर्च डालूँगी, हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखा था, थोड़ी बहुत मिर्च गिर गई है, कोई बात नहीं है, एरिया बिल्कुल क्लीन है तो मैं इसमें डाल सकती हूँ उठाकर। गाज मिर्च भी डाल दी और इसमें ऑयल जो है इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ऑयल में मिर्च को अच्छे से मिला देंगे कि ऑयल अच्छे से ही घुल जाए। और मुझे तो देख के लग रहा है काफ़ी टेस्टी लगेगा, क्या सोना आप बोलिए, टेस्टी लगेगा ना, दिखने में तो ये अच्छा लग रहा है, पता चलेगा ये खा के अब कैसा लगता है, आखिर बनेगा तो इसका क्या टेक्सचर आता है उस पर डिपेंड करता। ओ, आपका तो फेवरेट है ना? हाँ, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। आप इसको आलू पराठा, सत्तू पराठा या फिर मूली पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा किसी के साथ भी आप खा सकते हो, बेसिकली आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। ये जो पिकल होता है ये मल्टी टैलेंटेड, कहीं पे भी ये टेस्ट आपका बढ़ा देगा। अब ये ऑलमोस्ट सब ऑयल इसमें चला गया है जैसा कि मैं देख रही हूँ। अब सोना मैं इसको ऑफ कर दूँ? हाँ, ऑफ कर सकते हो आप इसको। मैं ऑफ कर रही हूँ क्योंकि इसको मैंने पहले भी बताया था कि डीप फ्राई नहीं करना है। और अदरक लहसुन मिर्च सबकी सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही है, एक अच्छा सा खुशबू आ रहा है इसका। जैसे कि ये फ्राई हो गया, अब इसमें हम मसाला मिला देंगे जो हमने रोस्ट कर रखा था। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाऊंगी, टेस्ट के अनुसार हल्दी, देख के खुद से अंदाज से मैं डालूंगी कि ज़्यादा भी पीला ना लगे। वैसे भी हल्दी आप लोग सब जानते हैं कि हल्दी बहुत ही फायदेमंद होता है हेल्थ के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च पाउडर डालने का इसका ये मतलब है कि कश्मीरी मिर्च डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है अचार में, बहुत ही अच्छा। और ये जो अचार है इसको हम लोग कल से ही यूज़ कर सकते हैं, ये इतना लॉन्ग टाइम आपको धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है, लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आपको कैसा दिख रहा है? अब इसका कलर बहुत अच्छा फाइन कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब तो लग रहा है कि अब खाने की इच्छा कर रही है अब इसमें से। बेटा आज तो मैं आपको खाने नहीं दूंगी, कल से आप खा सकते हो। अब मैं इसमें आमचूर डालूंगी, आमचूर हम इसीलिए, आमचूर भी आप डाल सकते हो और नींबू भी डाल सकते हो, बट आमचूर ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है। नींबू भी, अगर आपके पास आमचूर अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हो। और इस ये ज़्यादा दिन तक चले अचार तो इसमें मैं सिरका भी मिलाऊंगी। सिरका डालने से कोई भी अचार हो, ये अचार नहीं कोई भी अचार हो, वो बहुत दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है और आप लोग भी जानते होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब मैं इसमें नमक मिलाऊंगी, अचार बहुत काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप देख रहे हो कि इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल भी नहीं मिलाया है, ज़्यादा ऑयल डाल के नहीं बनाते हैं ये वाला अचार, क्योंकि अचार
में ज़्यादा ऑयल डालने से इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा और ज़्यादा ऑयली खाना भी नहीं चाहिए। और आज इसको मैं कंटेनर में नहीं डालूंगी, आज ये बाहर ओपन एरिया में ही रहेगा। कल मैं इसको कंटेनर में पैक करूंगी। आप प्लास्टिक के कंटेनर में भी डाल सकते हो, आप ग्लास के कंटेनर में भी इसको रख सकते हो। आप पहले भी इसमें वो डाल सकते हो सिरका और बाद में भी डाल सकते हो। मैं तो पहले डालूंगी, इसमें कलर बहुत ही अच्छा जाता है इसलिए मैं पहले डालूंगी। अब मैं इसमें सिरका मिलाऊंगी। सिरका ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून आप डालो तो सही होगा। जैसे मैंने इसमें अंदाज से ले लिया है स्पून से मेज़र करके, कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है इसमें। जो अदरक है वो थोड़ा पिंकिश कलर में आ जाता है सिरका डालने से। सिरका डालने के बाद मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगी, वो है काला नमक। काला नमक, जैसा कि हम लोग सबको ही जानते हैं कि काला नमक जो है वो किसी भी खाने में स्वाद ला देता है। तो अचार में तो बेसिकली मैं देखती हूँ कि सब कोई काला नमक तो डालते ही डालते हैं। स्वाद से अंदाज से आप डाल सकते हो, जैसे मैंने अपने अंदाज से डाल दिया है। वो जितना भी आप क्वांटिटी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना अंदाज ले सकते हो कि आप कितना डालोगे। अब देख सकते हो कि मेरा अचार प्रिपेयर हो गया है। कल मैं अपने हस्बैंड को सर्व कर सकती हूँ, खाने के लिए दे सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, और आपको भी अच्छा लगा होगा। गाइस, जैसा कि मैं अचार का रेसिपी शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ, और अब ये बन चुका है, तो मैं ये कहना चाहूँगी एट लास्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को बहुत प्यार दे जो मैं और भी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।